किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं और एहतियातन दिल्ली की तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को रोक दिया गया है। अब व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बयान जारी करके बताया है कि उनके व्यापार में 75% तक की कमी आई है। क्या कह रहे हैं व्यापारी नेता ब्रजेश गोयल, देखिए इस वीडियो में। पिछले दो दिनों से किसान आंदोलन के कारण जिस तरह से दिल्ली एनसीआर पे जो बॉर्डर है वहां पे पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेटिंग की है उसके कारण दिल्ली का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और दिल्ली के व्यापार में 75% की गिरावट देखी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, तमाम जो एनसीआर के शहर हैं वहां से रोजाना 3 लाख के आसपास लोग रोजाना दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए आते थे, लेकिन पिछले दो दिनों में इसमें काफी गिरावट आई है और लगभग 1 लाख से भी कम लोग इस समय दिल्ली के बाजारों में आ रहे हैं, तो दिल्ली के बाजारों का फुटफॉल भी घट गया है। इसको लेके एक व्यापारियों में भारी चिंता है। इसके अलावा बाहर से जो व्यावसायिक वाहन दिल्ली में आते हैं, माल जो दिल्ली में प्रवेश करता है, 15,000 से ज्यादा वाहन दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे फंस गए हैं। इसके अलावा लगभग 25,000 वाहन दिल्ली में फंस गए हैं क्योंकि दिल्ली एक होलसेल मंडी है, दिल्ली का एक अपना होलसेल डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टर है, तो होलसेल मंडी होने के कारण दिल्ली में बाहर से माल आता भी है और जाता भी है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा बसंत पंचमी का भारी साया है दिल्ली में, तो लगभग 40,000 शादियां दिल्ली में है और 200 से 250 जो बैंक्वेट हॉल है, मोटेल है, होटल है, रिजोर्ट है, वो बॉर्डर पे स्थित है। इसको लेके आज हमारी बात हुई बैंक्वेट एसोसिएशन से, उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है, होटल वालों ने भी, कि किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे क्योंकि एनसीआर से बहुत लोग आते हैं दिल्ली में शादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो आज काफी चिंता है दिल्ली के व्यापारियों में। सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकलाए, नहीं तो दिल्ली के व्यापारियों को इसका भारी नुकसान होगा। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी किसान प्रदर्शनकारियों और फोर्स के बीच में तनाव जारी है, लेकिन इस बीच व्यापारी संगठनों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पिछली बार जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो लंबे समय तक बॉर्डर्स पर पहरेदारी की गई थी और रास्ता रुका हुआ था, जिसकी वजह से दिल्ली के व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ था। फिलहाल एनसीआर के आसपास के जो बड़े शहर हैं वहां से दिल्ली आने वाले लोगों का काम रुक गया है, वो दिल्ली व्यापार के लिए नहीं आ पा रहे हैं। देखना होगा क्या किसान जो बातचीत के लिए पहल कर रहे हैं उससे कोई रास्ता निकल पाएगा या फिर व्यापारी संगठनों को कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।